बदले मानसून के चलते प्रतिदिन बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण किसानों की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। वर्तमान में किसानों के खेतों में प्याज की फसल रखी हुई है। बारिश के कारण फसल गीली हो रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रविवार के दिन भी सुबह से ही बागली तहसील क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा था। दोपहर 1 बजे बागली सहित चापड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में तेज हवा, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश देखने को मिली। लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक जारी रही, जिसके कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। किसान किशोर पाटीदार, रवि पाटीदार, इकलेरा ने बताया कि बारिश किसानों के लिए चिंताजनक है। इससे किसानों की फसल खराब होने की कगार पर है। कई किसानों के खेतों में प्याज रखे हुए हैं, साथ ही मूंग फसल में भी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी दौरान इंदौर बैतूल हाईवे मार्ग पर स्थित बावलिया क्षेत्र में तेज ओलावृष्टि भी हुई है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। नुकसान ही है इसमें, प्याज खुदी हुई पड़ी खेत में, भट्टी लगी हुई है, पानी लगातार गिरने से प्याज सड़ने की प्रबल संभावना है। कब से बारिश का दौर ऐसा जारी है? करीब जब से प्याज निकले हैं, जब से ये 3 दिन पानी ऊपर हो गए। आज भी हुई बारिश तेज? आज भी तेज बारिश हुई, आज भी पूरा पानी भरा गया अंदर तक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।